अगर आप भी स्नैपसीड ऐप का यूज करके अपनी फोटो में ऐसा कलर टोन डालना चाहते हो, साथ ही साथ फेस को स्मूथ करना चाहते हो, व्हाइट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो पूरा देखने के बाद 100% आप सीख जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइज, आप देख पा रहे हो कि हमने इस फोटो को स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन कर लिया। अब यहाँ आपको पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करना है, यहाँ ट्यून इमेज पे क्लिक करना है, एंड सबसे पहले आपको जाना है एम्बियंस के अंदर, एंड इसको कुछ इस तरीके से राइट साइड की तरफ +27 बढ़ा लेना है। अब आपको हाइलाइट्स के अंदर आना है, एंड इसकी वैल्यू आपको -6 कर लेना है। देन शैडोज के अंदर जाना है, एंड इसकी वैल्यू +17 कर लेना है। देन आपको जाना है वार्म में, एंड इसको बिल्कुल हल्का सा आपको प्लस साइड की तरफ इंक्रीज कर लेना है। आई थिंक +5 या 6 आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब आपको जाना है कॉन्ट्रास्ट के अंदर, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट के अंदर आने के बाद कॉन्ट्रास्ट को +8 के आसपास बढ़ा लेंगे राइट साइड में, एंड यहाँ डन पे क्लिक कर लेंगे। अब ये देखिए बिफोर आफ्टर। अब आपको पेंसिल के आइकॉन पे दोबारा क्लिक करना है, एंड यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करना है। स्ट्रक्चर को बढ़ा लेंगे, एंड इसको +10 कर लेंगे। अब शार्पनिंग को बढ़ा लेंगे, एंड इसको +4 कर लेंगे। यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर लेना है। अब आपको इस पेंसिल के आइकॉन पे दोबारा क्लिक करना है, एंड इस पे क्लिक करने के बाद आपको ड्रामा पे क्लिक करना है, एंड इसकी फिल्टर स्ट्रेंथ को आपको पूरा 0 कर लेना है, -100, ठीक है। 0 कर लेने के बाद सेचुरेशन आपको दिख रहा होगा, सेचुरेशन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप -33, -35 इतना रखो, ज़्यादा सही है। -33 मैंने कर लिया। अब गाइस आपको यहाँ क्लिक करना है इस पे एडिट स्टैक पे, देन आपको व्यूअर एडिट्स पे क्लिक करना है, ड्रामा पे। अब इस बीच के पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक कर लेंगे, एंड फोटो को जूम करना है कुछ इस तरीके से। एंड ऐसे गाइस आपको अपने पूरे स्क्रीन पे इसको चला लेना है। देख पा रहे हो जैसे हम स्क्रीन पे चला रहे हैं, स्क्रीन पहले रेड कलर का था, लेकिन अभी देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे लाइट आ रहा है, एंड स्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम कुछ इस तरीके से चला लेंगे। आपको भी रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप ध्यान से कीजिएगा फोटो को जूम करके, थोड़ा टाइम लगे बट कोई दिक्कत नहीं, फोटो एडिटिंग अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से कर ले रहा हूँ। अब गाइस ओवरऑल हमने इरेज कर लिया, लेकिन अभी देख पा रहे हो मैं फोटो को जूम कर रहा हूँ, एंड यहाँ लिप्स जो दिख रहा है ना, लिप्स पे यहाँ पे हम इसको पूरा 0 करके लिप्स पे सिर्फ चला देंगे ताकि लिप्स पे कलर रिकवर हो जाए। अब यहाँ डन पे क्लिक कर लेना है, बैक करना है, एंड देख पा रहे हो गाइस कि ये देखो बिफोर आफ्टर, अभी आपको फोटो के अंदर डिफरेंस दिख रहा होगा। मैंने फोटो के अंदर लाइट का एडजस्टमेंट किया है, और साथ ही साथ फेस को वाइट भी किया है। अब फेस को स्मूथ भी कर लेते हैं। यहाँ आपको जाना है पेंसिल के आइकॉन पे, एंड यहाँ आपको पोर्ट्रेट पे क्लिक करना है, एंड थोड़ा सा वेट करना है। आपको स्मूथ 2 को सिलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ इसकी स्किन स्मूथिंग आपको बढ़ाकर लगभग +69 कर लेना है। आई क्लैरिटी को बढ़ाकर यहाँ डन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब आपको यहाँ जस्ट शेयर के आइकॉन पे क्लिक करना है, एंड इस फोटो को आपको लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। फोटो देख पा रहे हो कि यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। अभी हम इसको ऐड टू LR करते हैं, या फिर एडिट इन LR कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जो मर्जी करे आपको कर सकते हो। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ जब तक ये लाइटरूम में ओपन हो जाए। सिर्फ फोटो को ऐड कर लेने से नहीं होगा, आपको ये वाला प्रीसेट भी ऐड करना होगा लाइटरूम ऐप के अंदर। इस प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको गूगल पे सर्च कर लेना है आर्या एडिट्स, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस प्रीसेट को डाउनलोड कर लेने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी सेटिंग पे क्लिक कर लेना है, एंड प्रीसेट की सेटिंग कॉपी कर लेनी है। अभी हम बैक करते हैं, एंड यहाँ से हम इसको JPG कर लेते हैं, एंड ये देख पा रहे हो गाइस कि हमारी फोटो आ गई, जो कि हमने अभी स्नैपसीड से शेयर किया था। फोटो को यहाँ सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, पेस्ट सेटिंग पे क्लिक कर देना है, एंड देख पा रहे हो गाइस कि सिर्फ एक क्लिक में हमारी फोटो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एडिट हो गई। अब आपको एडिट के टूल में जाना है, कलर में जाना है, एंड यहाँ जाना है मिक्स टूल के अंदर, एंड आपको कलर का एडजस्टमेंट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे येलो कलर है, इसकी वैल्यू हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ कर लेते हैं, सेचुरेशन भी थोड़ा कम कर लेते हैं। अब ग्रीन कलर में जाना है, एंड ग्रीन कलर को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। लगभग देख पा रहे हो ह्यू को +9 मैंने कर लिया, एंड सेचुरेशन को थोड़ा कम कर लिया। अब गाइज आपको जाना है यहाँ से देख पा रहे हो रेड कलर के अंदर, रेड का सेचुरेशन आप बढ़ा लीजिए, एंड इसकी ह्यू को थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ रख लीजिए। अब आपको यहाँ डन पे क्लिक करना है। देन गाइज आपको जाना है यहाँ डिटेल्स के टूल में, एंड शार्पनिंग की वैल्यू आपको कर लेना है +37, एंड यहाँ डिटेल्स को बढ़ाकर +27, ठीक है। अब कलर नॉइज रिडक्शन भी बढ़ा लीजिए, एंड डिटेल्स को भी बढ़ा लीजिए। ऑप्टिक्स के बटन पे क्लिक करना है, इन दोनों को सेटिंग को आपको ऑन कर लेना है। अभी एक बार मैं फोटो का ओवरऑल बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। गाइस देख पा रहे हो ये बिफोर की फोटो रही, एंड ये आफ्टर की फोटो रही, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। जस्ट इस फोटो को अब या शेयर के आइकॉन पे क्लिक करना है, एंड शेयर के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद सेव कॉपी टू डिवाइस पे क्लिक करना है। अब ये फोटो आपकी गैलरी में इजीली सेव हो जाएगी।
तो कुछ इस तरीके से आप अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो। आई होप गाइज आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड हाँ, ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।